Hello guys, Imran here. Welcome to my channel KMV Tech. In this video, I'm going to show you that how you can add a post to your profile. Let's suppose हम post करते हैं और उस post को हम hide करते हैं. अच्छा, किस तरह एक post को हम hide करते हैं, इस पर already मेरी video बन चुकी है. ये ऊपर मैं I button में दे रहा हूँ वो video, वो भी आप लोग देख सकते हैं. अच्छा, अब let's suppose एक post आपने hide किया हुआ है और आप चाहते हैं कि अगेन मैं उस पोस्ट को प्रोफाइल में ऐड करूं, तो वो किस तरह करेंगे. तो आइए चलते हैं फेसबुक की तरफ. ये मैंने फेसबुक ओपन किया, मैं आप लोगों को स्टार्ट से दिखाता हूं. अच्छा, ये लेफ्ट टॉप में आप लोगों को प्रोफाइल आइकन या डीपी नज़र आ रहा होगा, इस पे टैप करें. इस पे आने के बाद ये सेंटर में 3 डॉट्स राइट की तरफ आप लोगों को नज़र आ रही है, इस पे टैप करें. अच्छा, इस पे आने के बाद ये ऊपर से 5th नंबर में एक्टिविटी लॉग, इस पे टैप करें. अच्छा, इस पर आने के बाद पब्लिक पोस्ट, ये ऊपर लेफ़्ट की तरफ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पर टैप करें. अच्छा, इस पर आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के पास आ जाएगा. अच्छा, अब ये पहला पोस्ट जो आप लोगों को नज़र आ रहा है 3 जुलाई को मैंने किया था. इसको लेट सपोज़ अगर मैं ऐड करना चाहूँ, क्योंकि इसको मैंने हाइड किया हुआ है, तो अगर इसको मैं अगेन ऐड करना चाहूँ तो ये राइट की तरफ इसी पोस्ट के सामने 3 डॉट्स नज़र आ रही है, इस पर टैप करें. इस पर आने के बाद ये सेंटर वाला ऑप्शन जो है ऐड टू प्रोफाइल, इस पर मैं टैप करूँगा. इस पर आने के बाद अब ये सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग पे, क्योंकि नेटवर्क का इशू है, लेकिन प्रोसीजर यही है. अब इस पोस्ट को देख लें. अच्छा, इसके सेंटर में ऐड टू प्रोफाइल नज़र आ रहा है. अब सेकंड वाला देख ले, इसको भी मैं चेक करता हूँ. अब हाइट फ्रॉम प्रोफाइल सेंटर में, क्योंकि इस पोस्ट को, ये सेकंड वन जो था, इसको मैंने हाइट नहीं किया हुआ है, लेकिन ऊपर को मैंने हाइट किया था पहला वाला. तो प्रोसीजर यही है, बस आप प्रोफाइल में किसी भी पोस्ट को जो आपने हाइट किया है वो ईज़िली ऐड कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. कोई भी क्यों रहा, आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.